क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमर राणा। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो ये दरांतियाँ पकड़ी हुई हैं मैंने, और जानवरों के लिए चारा लेने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको थोड़ी अजीब चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, डरना नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और शादबाद होंगे, क्वारंटाइन में अपने घरों में होंगे। तो इस वक्त मेरे साथ एक नमूना है, इधर देखें, इसकी एक चीज़ मैं आपको टोपी उतरवा के चेक करवाता हूँ। भैया चेस्ट के बाहर काट रहे हैं मसल, ऐनी आकड़े लीड़ी कर ले, पेट को अंदर कर रहा हूँ। ये देखें, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। भैया कि मशूरा दिता सी तुहानू, टेंट वाला मशूरा केड़े बंदे दिता सी, 50 बर्गर वास्ते टेंट करा लिया बाजी। यार वेखो कैसा धोबरा आ गया, 50 रुपए के बर्गर वास्ते लोग अपने वाल, जिन्होंने इंसान अपने इन्ने प्यार नाल इन्ना हजारों का शैंपू ला ला के वड्डा कर दिया, 50 बर्गर खाने वास्ते टेंट करवा के बंदा वेखो की बन गया। उस दूर मैंने कुछ होर ही लग रहा है, मैं बाद वेख्या टेंट। नहीं मसला नहीं, केड़ा बर्गर सी, केड़ा अंडे वाला बर्गर, तुसी समझ गए वाला बर्गर। अपनी इमानदारी ना दसने जेड़ी गल, ऐ बंदे नूं टिंड किस तरह दी लगी। नहीं उधर वेख के टिंड ते हाथ छत मार के चेक करके दसो, तो जी जानवर के लिए चारा ले आए हैं, और अभी हालत थोड़ी सी खराब है, तो पहले हम जादू के साथ कपड़े चेंज करते अपने। तो कपड़े हो गए चेंज, अभी थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, फिर अगले काम बाद में। तो यार अभी जोर की नमाज पढ़ के आया हूँ, और अभी जाना है गंदम की कटाई के लिए, तो अभी उसके लिए कपड़े तो चेंज करने पड़ेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि गन्ना पक चुकी है और अभी जाना कटाई के लिए, दरांती मैंने पकड़ी है, और सुबह से यार जब जानवर का चारा काटने गया था तो उंगली कट गई थी, तभी उसके ऊपर सनी प्लास लगाए मैंने। तो अभी जा रहे हैं गन्ना की कटाई के लिए। ये बंदा आपसे कुछ कहना चाहता है, बोल क्या हाल है। हेलो, क्या हाल है, ठीक ठाक हो सारे, तू ठीक है, किधर जा रहे हैं, बैठे लें चलें, चल सही है बढ़ लो।
तो अभी इंशाल्लाह पहुंचने वाला हूँ मैं, काफ़ी दूर अभी, तो वहाँ जा कर इंशाल्लाह करते हैं गंदम की कटाई, मिलते हैं। तो अभी हैंड फ्री लगाए हुए हैं, पता नहीं मुझे आपको आवाज़ कैसी आ रही होगी, लेकिन हैंड फ्री इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो हैंड फ्री अक्सर लगा के बंदा गाने सुनता रहे या कुछ और, तो मगर रहता है इंसान जो है काम में पूरा ध्यान लगा रहता है। तो ऐसे वैसे मैं ज़्यादा इतने सॉन्ग सुनता नहीं हूँ, पर जब कभी काम करता हूँ तो फिर सुन लेता हूँ थोड़े बहुत। तो अभी मैं खेत के करीब बिल्कुल पहुँच चुका हूँ, इधर देखिए आप कोई भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ असी जीत गए हैं सबसे पहले हम लोग गंदम की कटाई के लिए आए हैं, जिसको हम पंजाबी में वाडी बोलते हैं। शुरू है भाई, काम चालू है। माशाल्लाह सही है अपनी गंदम है जी, चार कनाल है और ये हमने काटी है अभी तकरीबन डेढ़ कनाल के करीब, तो अभी मेहनत जारी है फुल। ये प्लेयर थक गया फुल खेल खेल के गर्मी बहुत ज़्यादा और पसीना देख सकते हैं आप, नज़र आ रहा है पसीना बहुत ज़्यादा हो गया, कपड़े फुल भीग गए हैं। और यहाँ पे ये गंदम काटते हुए मुझे एक शेर याद आया, मेरे गांव की मिट्टी से तेरे शहर का पेट भरता है और तेरे शहर के लोग मुझे गवार कहते हैं। अब गंदम की कटाई हो गई ख़त्म, अभी सूरज ग्रूब होने वाला है और मगरब का टाइम है, जाकर नमाज़ पढ़नी। तो अभी जो गंदम काटी है उसको बांधा गया, इतनी रस्सियाँ लाई थी तो बाकी जो रह गई है वो बाद में बांध लेंगे। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आया हो पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद आमिर को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।